अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। लोग जानेंगे कि यूडाइस प्लस में किस तरह हम लोग बच्चों के डेटा को भर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसके आगे के सारे डेटा भरने के बारे में बता चुके हैं, जिसका कि वीडियो का लिंक आपको इसके नीचे में दे दिया जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हमें बच्चों का डेटा किस तरह भरना है। आप लोगों को बेहतर बताने के लिए और समझाने के लिए मैंने दो फाइल लिया है। एक फाइल वो है जहाँ की मेरा डेटा ब्लैंक है, और एक फाइल वो है जिसमें हमने डेटा भर के रखा हो, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह भर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, 4.1 इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है कि न्यू एडमिशन एनरोलमेंट एंड रिपीटर किसका चाहिए, तो प्री प्राइमरी क्लास का चाहिए, टोटल स्टूडेंट। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में यहाँ पर LKG भी है और UKG है, बॉय और गर्ल, यानी कि हमें बॉय और गर्ल के रूप में सारा डेटा भरना है क्लास वाइज। जैसे कि मान लीजिए कि LKG में मेरा जो बच्चा एडमिशन लिया है, बॉय गर्ल जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसको हमको भरना है। ठीक उसी तरह हमें UKG में भी भरना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, मैंने भर के रखा हुआ है 5 बॉयज एडमिशन लिए हुए हैं LKG में और 3 गर्ल्स एडमिशन लिए हुए हैं LKG में। ठीक उसी तरह UKG में 4 बच्चे एडमिशन लिए हैं बॉय और 5 लड़कियां एडमिशन लिए हैं, हमने ये डेटा यहाँ पर भर दिया। सेकेंड पार्ट, न्यू एडमिशन इन ग्रेड 1, यानी कि क्लास 1 में आपके पास कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, ठीक उसी तरह देना है बॉय और गर्ल के रूप में। लेकिन हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है, क्या है, तो एज कैटेगरी, जैसे कि बिलो 5, 5, 6, 7, above 7, यानी कि हमारे जो बच्चे क्लास 1 में एडमिशन लिए हैं उसका एज किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कितने इयर्स के है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर डेटा भरना है। सेकेंड थिंग हमारे पास यहाँ पर है, आउट ऑफ द टोटल इन ग्रेड 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ प्री स्कूल एक्सपीरियंस इन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेम स्कूल, जो बच्चा क्लास 1 में एडमिशन ले रहा है, हो सकता है कि वो बच्चा आप ही के स्कूल के प्री प्राइमरी का हो, इसलिए हम सेम स्कूल कर दिए। अगर दूसरे स्कूल से आया है तो हम यहाँ पर एनोदर स्कूल में उस डेटा को डालेंगे, और आंगनबाड़ी से आया है या फिर ECCE सेंटर से आया है तो हम यहाँ पर उस डेटा को फिल करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पर भरा है कि जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है क्लास 1 में, 9th बॉयज एडमिशन लिए हैं, जिसका कि एज कैटेगरी 5 से बिलोंग करता हो, और एज कैटेगरी 5 से बिलोंग करती हैं 8 लड़कियां, जिसका कि हम यहाँ पर एडमिशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई डेटा भरा नहीं गया है, तो हम यहाँ पर इस डेटा को सुधारते हैं। हमारे पास जो एडमिशन लिया है उसमें से 3 बच्चे, ठीक है, 3 बच्चे हमारे स्कूल के हैं और 6 लड़के जो कि दूसरे स्कूल से आए हैं। और उसी तरह हमारे पास यहां पर 4 लड़कियां जो इसी स्कूल से है और अन्य विद्यालय से 4 लड़कियां हैं। हमारा ये डेटा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तब देखिए हमारे पास ये पेज आता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में आप जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा भर के रखा हुआ था, सारा डेटा मेरा भरा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये ब्लैंक आएगा, क्योंकि हमने डेटा वहां भरा, अब हमको यहाँ पर डेटा भरना है। हमारे पास यहाँ भी स्कूल कैटेगरी के हिसाब से 1 to 8 का स्कूल है, प्री प्राइमरी भी है। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी कर दिया गया, जनरल, SC ST OBC, टोटल, ठीक है, टोटल तो आपको करना नहीं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो जनरल SC ST OBC कैटेगरी वाइज मेल फीमेल आपको अपने स्टूडेंट को
बांट लेना है और हमें फिर यहां पर इस डेटा को फिल करना है। एक एक करके हम इस डेटा को जब यहां पर फिल करेंगे तो हमारे पास ये दिखेगा, जो कि ये भरा हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए आपके पास यहां पर आ गया कि ग्रैंड बॉयज टोटल कितने हैं, लड़कियां कितने हैं और टोटल स्टूडेंट कितना आपके पास है, ये हमारे पास आ गया। और अब हम यहां पर सेम में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा एक यहां पर डेटा है जिसको भरने में हम लोग गलती करते हैं। क्या कहा जा रहा है यहां पर, आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट, मतलब जितना आपके पास बच्चा है उसमें से कितने बच्चे आपके माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसा कि यहां पर दिया हुआ है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, अदर। हमारे मान लीजिए कि अगर टोटल बच्चे, ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर मेरे टोटल बच्चों में से मुस्लिम एक लड़का है, चार लड़की है, एक लड़का है, दो लड़की है। तो इस तरह से हमें डेटा को यहां पर कैटेगरी वाइज करके भरना है। जैसे कि यहां पर मुस्लिम हो सकता है, आपके पास क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैन हो या फिर अदर कोई हो, तो हमें यहां पर उसको भरना है। और भरने के बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। फिर हमारे पास आता है तीसरा कैटेगरी, जैसा कि देखिए हमने यहां पर दिखा रहे हैं कि आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पास जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से कितने बच्चों के पास आधार नंबर है, वो भी यहाँ पर जेंडर वाइज मांगा जा रहा है, मतलब बॉय और गर्ल के हिसाब से, प्री प्राइमरी में, क्लास वन में, क्लास टू में, क्लास थ्री में, क्लास फोर में, क्लास फाइव में, इसी तरह आपके जितने भी क्लास रहेंगे उस प्रकार से आएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपके पास बीपीएल के बच्चे एडमिशन है तो आपको वहां भी इसका डेटा भरना है, जो आपके पास टोटल बच्चा है उसी में से, दोनों को अलग अलग नहीं करना है, उसी बच्चों, आपके टोटल बच्चों में से इस डेटा को भरना है। कितने बच्चों के पास आधार है क्लास वाइज मेल फीमेल, उसी तरह बीपीएल कितने बच्चों के पास अवेलेबल है मेल फीमेल, किस तरीके से भरना है। अब हम इसको भरने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक एक करके यहां सेव कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे और फिर इस पे क्लिक करेंगे। जब इस तीनों पे मेरा काम हो जाएगा फिर हम कंप्लीट एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए हमारे यहां पर चूंकि अभी ब्लैंक है इसलिए नहीं बता रहा, इसको हम ओके कर देते हैं। जबकि सेम चीज आपको हम भरे हुए पे दिखाते हैं, कंप्लीट एंड नेक्स्ट। देखिए अब क्या हो रहा है, टोटल सोशल कैटेगरी एनरोलमेंट 340, टोटल माइनॉरिटी एनरोलमेंट 32, यानी कि आपके पास 340 बच्चों में से 32 बच्चा माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इसको हम ओके करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पेज आएगा जिसमें हमको डेटा भरना है। अब आपको यहां चूंकि ब्लैंक दिख रहा है, हमने चूंकि वहां डेटा फिल किया हुआ, तो देखिए मेरा यहां पर डेटा फिल किया हुआ है ना, जो डेटा हमने भरा था वहां पर सेव करके वो डेटा यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन चूंकि आप नए पे काम कीजिएगा तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि वहां ब्लैंक दिखेगा, बट ये आपका भरा हुआ रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपका भरा हुआ आएगा। देखिए मेरा यहाँ पर कर्सर जा नहीं रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पेज है, एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन बाय एज इज कंप्लीटेड ईयर्स, यहां भी हमें मेल फीमेल क्लास के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से यहां पर भरना है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, क्लास वन में यहां बच्चे भर दिए, क्लास टू में है, फिर क्लास थ्री में, उसी तरह से हमने इसको एज के हिसाब से सारे बच्चों का डेटा को फिल कर दिया। इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगा जैसा कि मेरा भरा हुआ था। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे 4.4 में, एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी स्कूल्स में हिंदी में होता है, किसी स्कूल्स में इंग्लिश में भी होता है। अगर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दोनों को पढ़ाते हैं, तो आप दोनों यहां भर सकते हैं। फिर हम यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा यहां पर सोशल कैटेगरी का डेटा भर के आ गया।
और ठीक उसी तरह हमारे पास यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप का भी डेटा भर के आ गया। अब अगर हमारे पास रिपीटर है यानी कि जो पिछले साल फेल कर गए हों, अगर ऐसा डेटा हो तो यहाँ पर हम इसको भरेंगे सोशल कैटेगरी के हिसाब से जनरल एससी एसटी ओबीसी और यहाँ पर क्लास के हिसाब से 1, 2, 3, 4 आपके जितने भी क्लास चलते उस हिसाब से हमें यहाँ पर भरना है। ठीक उसी तरह हम इस डेटा को भी भर देंगे आउट ऑफ द टोटल रिपीटर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ रिपीटर बिलोंगिंग इन द फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप से कितना आपका हुआ है, अगर उसमें बच्चे फेल हुए तो उसका भी डेटा यहाँ पर आपको देना। एक हम लोग यहाँ पर दे रहे टोटल और उसमें से कितने बच्चे माइनॉरिटी ग्रुप से फेल हुए थे रिपीटर केस में। फिर हम यहाँ पर कंप्लीट एंड पहले हम सेव कर लेंगे यहाँ पर सेव करेंगे, फिर हम यहाँ पर सेव करेंगे, फिर हम यहाँ पर कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा डेटा भरा हुआ है। अब देखिए आपके पास एक ये पेज आएगा तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, तो एनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, यानी कि हमारे यहाँ जो CWSN बच्चों है उनका भी आंकड़ा हम लोग डाइस में देते हैं, जिसमें आपका ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, लोकोमोटर, जिसका के डेटा हम लोग नहीं भरते लेकिन इसका डेटा देना चाहिए। अगर आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन भरना चाहिए ताकि उस बच्चों को कुछ सुविधा मिल सके। फिर हम यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए चूंकि हमने यहां पर भर के रखा है इसलिए दिख रहा, हम आपको ब्लैंक में भी दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए अब हमारे पास यहां पर इंफॉर्मेशन मांगा जाता है कि एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट एट एलिमेंट्री लेवल, एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस ईयर फॉर ग्रेड 5, मतलब ग्रेड 5 का आपका रिजल्ट मांगा जा रहा है यहां पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड, यहां ध्यान से देंगे कैटेगरी वाइज है जनरल एससी एसटी ओबीसी, फिर यहां पर है बॉयज गर्ल्स इस हिसाब से भरा हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड यानी कि कितने बच्चे आपके एग्जाम में अपियर्ड हुए थे, उसमें से कितने बच्चे पास किए हैं, ये डेटा हमको भरना है। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड विथ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, यानी 60% और उससे अबव लाने वाले कितने बच्चे, जैसा कि हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ठीक है, मेरा यहाँ डेटा भरा हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर टोटल बच्चा भी क्लियर आ गया है और सारा डेटा मेरे यहाँ पर हम भर चुके हैं। फिर हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब आपके पास जो पेज आएगा वो आएगा एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट एट एलिमेंट्री लेवल, एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस ईयर फॉर ग्रेड 8। आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस साल का आप डाइस भर रहे हैं उस साल के पीछे का रिजल्ट भरना होता है। जिस साल का हम लोग डाइस भर रहे हैं रिजल्ट हम लोग हमेशा उसके पीछे साल का भरते हैं। ठीक है, यहां भी हमारे पास वही डेटा मांगा जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट क्वालिफाइड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पासड विथ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। जनरल एससी एसटी ओबीसी और कैटेगरी वाइज दिया हुआ है मेल फीमेल, उसी तरह से हमें डेटा को भरना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास एक आता है पेज फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल। अगर आपके स्कूल को कुछ फैसिलिटीज मिली है तो आपको यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन भरना है, अगर नहीं मिली है तो नहीं भरना है। जैसे कि अगर यहाँ आपके पास नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से मिला है तो उसका डिटेल देना है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग से कुछ मिला है, पीएसयू से या कम्युनिटी से या फिर अदर कहीं से मिला है। अगर आपके स्कूल में आईसीटी आइटम्स है वो आपके पास है तो उसका इंफॉर्मेशन देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो यहाँ पर देंगे, लाइब्रेरी बुक्स है तो हम लोग यहाँ पर करेंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं।
क्योंकि हमने यहाँ भरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर है, मैं आपको भरा हुआ में दिखाता हूँ। देखिए अब हमारे पास आता है सोशल सेफ्टी का, आपके स्कूल में कौन कौन सा सेफ्टी, कौन कौन सा फैसिलिटीज या फिर जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं वहां पर यस और नो करना है आपको। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अगर आपके यहाँ डेवलप्ड है तो यस हो जाएगा, स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट होता है तो यस हो जाएगा। मतलब जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसको आपको यस और नो में भरना है, और फिर यहाँ पर हमारा सेव एंड कंप्लीट है। इतना करने के बाद हमारा डाइस का काम, जो हमको यूडाइस प्लस में कार्य करना था, हम भर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग डाइस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प होता है, हेल्प मिला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी लोगों को शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।